ऑलराइट, सो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज है 5th of November, दिवाली के दूसरा वाला दिन, एज इन पाड़वा। सो अभी बज रहा है आई थिंक 6, हमें निकलना था कुछ गिफ्ट लेने के लिए, बिकॉज पाड़वे के दिन क्या होता है कि जो हस्बैंड है वाइफ को गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। सो वो एक्चुअली खरीदी करने के लिए जाना था, शॉपिंग करने के लिए जाना था। बट तो अभी निकलते हैं थाने, टाइम हो चुका है 6:17, लेट हो गया यार, एक घंटा लगेगा थाने पहुँचने के लिए। बाइक की शॉपिंग करनी है, बाइक गियर्स लेना है सब, फटाफट निकलते हैं। मैं होते बराबर फोटो आहे सगळे लेवल पे पण हात वर्क नाही जात माझे। तुला डान्स थोडी ना करायचं रे, हे तुमचे इतपर्यंत एवढंच जाणार, इतपर्यंत एकदम नॉर्मली येतील, यानंतर हे बघा माझा शर्ट पण खिचला होता ते, हां इतपर्यंत एकदम इजीली येईल। ते जॅकेट हेवी एकदा हे पण घालून बघा, मला ते विंटर लाइनर लावलेला आहे मध्ये म्हणून तसं होतं। विंटर लाइनर काढला की वजन पण कमी होईल आणि कम्फर्ट लाइनर पाहिजे ना घालून, एवढं गर थंडी नाही लागत, नॉर्मल लद्दाख वगैरे जाणार असेल तिकडे, हां इकडे इकडे गरज नाही। आणि एकदा हे पण घालून बघ रॅनॉक्स, तो फाइनली आ गए सनशाइन ऑटोज में। यहाँ पे राइडिंग गियर्स देखने थे, हेलमेट देखना है। अभी फिलहाल पहले निकिता ट्राई कर रही है सोलेस का अस्मी, इसको बहुत पहले से चाहिए था, एक ही पीस बचा, अभी देखते ये होता है या नहीं, तो फिर रैनॉक्स के लिए जाएंगे सीधा। तुला हाज आवड़ा ना, एकदा रायनॉक्स ची पण फिटिंग बघ ना, ही आता टाइट कर, हे बरोबर आहे, मला आवडलं, हे बरोबर आहे ना, हो कसा होता एक्सपीरियंस पहिल्या जॅकेटचा? मला हे माहिती होतं, फिटिंग पण माहिती आहे। हाँ मतलब जो सोलेस का असमी है उसको कुछ अलग से वी कट दिया हुआ है, बाकी जैकेट्स स्ट्रेट है तो वो फिटिंग में थोड़े अलग लगते हैं। अब ये रायनॉक्स का स्ट्रेट जैकेट है। हाँ कुछ टॉर्नेडो प्रो 4 तुम्हें लगता है खाते हुए मोटे हो सकते हैं? यस हाँ मोटा है, लूज है, हाँ ठीक है, टू एक्सेल है, अपन टू एक्सेल है, हाँ खूब मोटा है, आतमध्ये नको ठेवा पडली का ताई, हां देखी काय वाढली माझी, कट करावा लागणार काय काय, इथे विंटर लाना मुळे तर अजून नाही होईल, एकदम विदाउट विंटरच घालायचं असेल तर ठीक आहे, पण विथ विंटर साइज पण विथ विंटर तर लागेल ना, विथ विंटर अच्छा, ह्याला खाली स्ट्रेट असतो ना, आणि अजून 5 वर्ष तर अजून काही ना काहीतरी साइज चेंज होणारच होणार। हे एक अच्छा लगा मुझे, बिकॉज जो सोलेस का देखा था वो हो नहीं रहा है, तो ये रैनॉक्स का ये फिटिंग है। कसा वाटतं? चांगला दिसतं, चेस्ट प्रोटेक्टर आहे, फोटो काढला मी, दिसतं ना मी तुम्हाला चांगलं आहे, पण 10,000 रॅनॉक्स पण हा 2XL आहे, हा लार्ज नाही का? लार्ज नाही, आणि हा लार्ज मला होतो आहे, पण माझा आधीचा लार्ज मला मोठा होता आणि हा खूपच मोठा होता, मला एवढं तू घातलंच ना, काय बोललो का, ये एक है बट ये 2XL है, बहुत बड़ा है, देखो फिटिंग ही बहुत लंबा लग रहा है, माझे हात असे असे होईल लगे, अरे मोठा आहे बघ ना, एक एक्सटेंडर आहे म्हणजे ट्राय करून बघ, थोड़ा
such things you need to be prepared. हे बरोबर आहे. L पाहिजे तुला. हे बघ ना झाले झाले. नाही आता त्याच्यात विंटर लाइनर पण आहे ना. नाही आहे. हां. फोटो काढू का? चालेल. बरोबर आहे मला. आणि नाही मी उद्या घेऊन जातो. एक अच्छा लागत आहे बट साईज नाही आहे. बारा तारीख एक्सेल घातली. एक्सेल बॅक साईडला थोडी मोठी वाटते. या साईड खाली वाटते. हां मला चांगलं व्हेंटिलेशन. तुला व्हेंटिलेशनची जरूरत आहे ना. तुला घाम गरम काय करायचं? कॉम्प्रोमाइज करायचं आहे तर ते आत्ता लगेच. रायडा वगैरे कसे आहेत? रायडा पण ठीक आहे. ट्राय करा तुम्ही. लार्ज आहे ना? हाँ लार्ज. लार्ज वाला जो मेरे पास पहला था रेनॉक्स का वो एस साइज था तो इसलिए मैं सोच रहा था क्यों नहीं बैठ रहा है. ये भी नहीं हो रहा है. थोड़ा एक साइज बड़ा लगेगा शर्ट में. तो क्या होता ना मैं बाइक पर बसते हो इतना स्ट्रेच नहीं होता. कितनी होता है वर बगा कंबर वरती घेतले बघ. से कंबर एकदम स्टार्ट करते ना तो बघा किती वर होते. थोड़ा जीन्स घालते. ये एक्सेल है ना? यस. एक्सेल साइज. एक्सेल मीन्स तुमची वेट झाली आता 34 आणि हे आर्मर ओके बरोबर हे पण ऍडजस्ट करता येतात. हा पाय बघा किती वर येते बसायला येते. पहिल्यापेक्षा जास्त. जॅकेट सोबत घालून बघ. असं पण बसू शकतो म्हणजे आहे थोडं कम्फर्टेबल. आणि इथून पहिले मेरा जो एस था वो इधर से मैं स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था. मतलब बाइक पे बैठे तो गया. अब ये थोड़ा है लग रहा है. आता है जो सोबत ते जैकेट घाल. कुठे आहे ते रेड वाला? बस आता मैच पूरा लुक हो गया मेरा कंप्लीट हो गया. लगे हां मस्त मैच होता है. हेरा मैडम ना. हां तेज तर बोलली मग अशी चल क्या होता इधर थोड़ा होता पण ठीक आहे. हे बाईकला मॅच करते. बाईक मध्ये पण ब्लॅक आणि रेडच आहे. हिला जीव तुझा गरमीने. हे कमरेच्या इथे मागे असं पुगा लाइनर पण आहे ना थोडासा. ते पण एक्झरसाइज हा काढून टाक. विंटर लाइनर काढला की खूप कम्फर्ट. अभी फायनल हो चुके आहे. ये मेरा रहेगा. अभी तरी ले सिर्फ हेलमेट देखना. वो देख लेते फटाफट. एवढं टाइट घालून मी नाही बसणार. ते लूज आहे. हा ते 15 दिवस फक्त. मग नंतर थोडा लूज होईल. तो पेन होतंय. नाही ना ग्रीप आहे. मला काय त्रास होत सगळीकडून. तोंड बिंड सगळं दाबले. एक साइज मोठी आहे. साइज मोठी घेऊ. मी बोलू पण नाही सगळं. ही कुठची लार्ज आहे? एम एल आहे. त्याच्यात पॅडिंग कदाचित रॅमची टाकली. काड की हेल्मेट उद्या बघायचं. नको हेल्मेट आता मला. ऐकत थांब. दोन्ही पायाला खिचा. हे ना काढताना दोन बेंड प्रॉपर खिचून टाकायचे. आता हे चांगलं बघ पाय सर. दोन्ही खेच एकत्र खाली. थांब हे घ्या तुम्हाला इझी ट्रिक. काढा एक मिनिट. घातलं ठीक आहे. बरोबर हेल्मेट ना ही तिन्ही बोटांना सपोर्टनेच घ्या. कारण की आपण नुसतं असं करणार तर ते केसं न खिचणार. असं घेतलं की आपल्याला हेल्मेट खिचता येतं असं. हां आता माझी साईज सर एम क्यू आयलंय. हे बघा काढताना काय टेन्शन नाही. ह्याला ते आहेत ना इंटरकॉम साठी. इंटरकॉम आहे तुमच्याकडे की आहे ना? ठीक आहे. माझ्याकडे उद्या येणार आहे. पुढचा येतो Q7 रायडर्स मॅश कॉम्बिनेशन 10,000 इज. हे हलत आहे का पण असं का? पिलियन आहे तर ठीक आहे.
पण त्यांना सवय नाही ना. मी एवढं टाईट नाही. सेम आहेत फीचर्स, बाकीचे फक्त हा थोडा मोठा आहे. कॉन्फ्लिक्ट हा असा तुझ्याकडे होता ना? नाही, माझ्याकडे फुल कॉन्फ्लिक्ट होता. थोडा पाठीकेचा मोठी का साईज? एक मिनिट एकदा ऑइल पण देतो, ट्राय करून याच्याला घालून ना. पण ह्याला एअर वेंट्स हे वेट मेश आहे. अच्छा, इथे पूर्ण मेश आहे. ब्लॅक जेवढा आहे ना, हा मेश आहे. हावरचा मेश आहे हा. एकदा बघा ह्याची पण फोटो लोकांना. त्याचा लेफ्ट साईड चांगली दिसते. याच्याला घालून हा कुठचा एअर टॉर्नेडो. हा टॉर्नेडो आणि हे नॉक्स काय असतं? नॉक्स आर्मर आहे. तुमच्या जॅकेटमध्ये जे आर्मर आहेत ना, त्या ब्रँडचे हे सेफ्टी आर्मर आहे. चांगलं हां, तर लोकांना चांगलंच असतं. इकडे पण व्यवस्थित बसलाय ना, मस्त दिसायला पण चांगलं. कॅमोफ्लेज हा चांगला असतो. हे जास्त चांगलं दिसलं. आणि इकडे तुम्हाला सपोर्ट होतो तो. हा प्राइस काय आहे? हा 3450 आहे. हा 3250 आहे. 200 रुपीज. अजून काय आहेत ऑप्शन्स? ह्याचा खालचा आहे तो एल जी टी. हा सर्वात बेस्ट, नाही तर तो एकदम फुल कॉन्टॅक्ट. तुम्हाला मला वाटत नाही गरज पडणार त्याची. फुलचा काय प्राईस आहे? फुल 5000. दाखव ना एक बघून. आहे ना पण तुझ्याकडे फुल नाही आहे ना. तो क्रॅमस्टर कधीचा होता? क्रॅमस्टर होता तो. पहिला एकदम टाईट आहे ना. स्टड्सचा साधंवालं घेणार मी, घालणार आणि डोक्याला सवय करणार. स्टड्सचा थंडर घ्या पाहिजे. स्टड्स थंडर कसं आहे, स्टार्टअप लेवलचं आहे ते. तुम्ही घेऊन लद्दाखला गेले तरी टेन्शन नाही. ओके, लाईट वेट. हां हां, फुल हाफ. आपण चांगला वाटला मला. नाही नाही, तो हॅलोवीन कॉस्ट्युम सारखं वाटतं. ह्याच्यात 3 कलर आहे, ब्राऊन, ब्लॅक आणि हा. हे रात्रीचं दिसणार ना? हां, ते ठीक आहे. हा घेतो. निकालने डालने के लिए इजी है थोड़ा. इसमें थोड़ा ज़्यादा काम है. यहाँ कुछ सा बोला? रेनॉक्स अर्बन एक्स. रेनॉक्स अर्बन एक्स 3250. चलो, शॉपिंग हो गई. तुला नक्की नको हेलमेट, तो ते शूट करायला पाहिजे होता. वो पहली बार निकिता को कोई हेलमेट पसंद आया, मतलब अभी भी जितना ट्राई किया, SMK ट्राई किया, XO ट्राई किया, MTB ट्राई किया, ऐसे लग रहा है कि ये पूरा पकड़ के बैठा ऐसे बोल रहा है और सर दुख रहा है. तो उसको बोला कि इट इज कॉल्ड एज क्लॉस्ट्रोफोबिया. हाँ, पहले पहना नहीं था ना इसलिए. तो सर ने बोला कि इसको पहले वेगा पहन लो, इसका आदत हो जाएगा तो फिर बाद में. वेगा ने हे स्टड्स है ना? वेगा बोल्ट पकड़ हाल आदित्य पलक लगा. तो इसका एक बार आदत हो गया पहनने का तो फिर ऑपरेट करेंगे उसको. मला वेला क्लावा पण गेल लागेल. ते देतील ना? बॅला क्लॉज जास्त इझी पडतो ॲक्च्युली. तो पूर्ण फेस कवर करतो. आयडिया मॅटवाले ते पण वेगळंच आहेत का? तेच घालून बघून कसं वाटतं ह्याच्यात आणि त्याच्यात फरक काय? तुम्ही बनी बोल्ट बनी वेगा बोल्ट बनी. बोल्ट बनी चांगलं रे. ही थोडी मोठी साईज आहे. फिटिंग बरोबर आहे. डोकं हलो स्किन ऑइली वगैरे होते ना, ते सगळं नाही होणार. काय प्राइस याची? 1898 1800. बघ मी तुझा किती फायदा केला. हे काय ते तसं होणारच ना. चल ठीक आहे, सवय लागली की ना. ह्याच्यात काय डिस्काउंट होईल का? फाइनली शॉपिंग हो गया. अभी राइड की तैयारी करनी है. मतलब जो चाहिए था वो सब मिल गया फाइनली. नहीं कि तो एक हेलमेट का इशू आ रहा था, बट वो भी सॉर्ट हो चुका है. मैं ये पैंट पहन के जाऊंगा और फिर देखते हैं कि कैसा होता है. फिटिंग विटिंग पता चलना चाहिए ना, तो जैकेट वगैरह सब पहन के जाएंगे. बाकी सब ये देख लो, शॉप बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे.
हेलमेट से यहाँ पे जैकेट रखे हुए, शूज़ मिल जाएगा, टॉप बॉक्स भी रखे हुए अगर आपको ये प्लास्टिक वाले चाहिए तो, प्लस बैग्स, सैडल बैग हुआ, टैंक बैग हुआ और हेलमेट्स, ग्लव्स है और ये सब, चेन लूप, चेन क्लीन। तो इन शॉर्ट आपको बाइक के रिलेटेड कुछ भी चीज़ चाहिए रहेगा या फिर राइड के लिए कुछ भी चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आ जाओ थाने में, सनशाइन ऑटो गियर्स शॉप है इसका, मैं एड्रेस तो डाल ही दूंगा। बट मैं जब से राइडिंग स्टार्ट किया 2017 से, शायद मैंने पहली बार इसे लिया था, तो अभी यहीं से शॉपिंग करना चालू है। 31-300 शुरू होने वाली है अपनी। थैंक यू, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, नाहीतर त्या जॅकेटची वाट लागते। इन्शुरन्स पॉलिसी हो 50,000 मेडिकल क्लेम पॉलिसी आहे। चलो हे लेने का, हे तू घालणार आहेस ना, असं मी तुझं इकडे ह्याचं काढलं, ह्याचे पण काढायचे, हे खेचायचे तुम्ही तर कट झालं असं खेचलं की निघत। अभी निकलते हो गए, शॉपिंग बहुत लेट हो गया, 9 बज गए रहेगा, 9:10। हार्ट तो है मतलब, तो टूरिंग वाला साइज नहीं है। और इट्स सारा शॉपिंग हो गया, जैसे आपने देखा 31,000 का बिल आया है और मेरे गियर्स भी अपडेट हो गए। सो अभी क्वेश्चन है कि क्या आपको ये सच में लेना चाहिए, बिकॉज मेरे जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से मेरा जो व्यूअर बेस है वो यंग पीपल है, यंग लोग हैं जो शायद से अभी राइड स्टार्ट करेंगे या फिर जिन्होंने कर भी दी होगी। अगर आप एक एडवांस राइडर है, एक्सपीरियंस राइडर है तो अच्छा ही है, तो आपको पता ही होगा कि राइडिंग गियर्स में कैसे और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से लेने चाहिए। बट ये मेरा वीडियो है उनके लिए जिन्होंने जस्ट राइडिंग स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने वाले। तो देखिए, आप ऐसे हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे कि ये राइडिंग गियर बेस्ड है, वो राइडिंग गियर बेस्ड है। ऑब्वियसली राइडिंग गियर इंपॉर्टेंट होता है, एंड जितना आप ज़्यादा यू नो ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन लेंगे, ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन लेंगे राइडिंग गियर का, वो ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्ट ही करेगा। बट इसमें मेरे हिसाब से आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि मैं जस्ट बाइक लिया है मैंने और मैंने राइडिंग गियर खरीद लिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा पैटर्न समझिए राइड का, मतलब आप सच में राइड करने वाले हो या नहीं, और कितने फ्रिक्वेंटली राइड करने वाले हो और कैसे राइड करने वाले हो, ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछे। मतलब ऐसे हो सकता है कि मे बी आप राइड करना चालू भी करो, आप एक दो दिन राइड भी करो और फिर आप उसको इग्नोर कर दो। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हमेशा राइड करते ही रहोगे, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट हैं, उनके साथ बहुत बार ऐसे हुआ है कि उन्होंने राइडिंग स्टार्ट की है, बहुत पैशनेट रहते हैं कि मैं राइड करूँगा और फिर एक दो राइड करने के बाद समझता है कि बॉस ये ज़्यादा देर मैं सहन नहीं कर सकता या फिर ये मेरे लिए बना हुआ नहीं है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए जाओ, मतलब जो नी गार्ड रहते हैं या फिर एल्बो गार्ड रहते हैं वो पहले प्रेफर करो, वो राइड करके देखो, अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो फिर राइडिंग गियर के पास जाओ। राइडिंग गियर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर मेरे पास अभी अगर जैसे आपने देखा कि मैंने राइनॉक्स का गियर लिया, जो जैकेट है 10,000 का, उसमें भी वराइटीज़ है जो 5,000-7,000 से स्टार्ट होता है, तो लेवल 1 लेवल 2 ऑब्वियसली। सो आप पहले लेवल 1 पे जाओ, लेवल 1 खरीदो एंड फिर देखना कि आप कितना कंफर्टेबल हो राइडिंग के साथ। अगर आप फ्रिक्वेंटली राइड करोगे, कर रहे हो या फिर लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपकी नीड है, एंड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं कि मैंने क्या क्या ऑप्शंस थे और मैंने क्या क्या ऑप्शंस चूज़ किए थे और मैंने राइनॉक्स से गियर क्यों लिया। सो मेरे पास बेसिकली 3 ऑप्शन थे, राइनॉक्स, एक था राइडा और एक था सोलेस। तो सोलेस तो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, राइनॉक्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था जो मेरा प्रीवियस गियर था और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज मैंने वो 2017 में लिया था और अभी चल रहा 2021, तो
उतने साल के लिए ऑलमोस्ट राइनोक्स के यूज़ कर रहा था, तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी उससे, बट मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता था, मतलब सोलेस बेसिकली मैंने देखा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली मुझे फिटिंग आया नहीं या फिर उसका साइज़ मुझे हुआ नहीं। और राइनोक्स का जो टूरिंग वाला जैकेट था जो 12,000 का प्राइस है उसका, वो बहुत ज़्यादा लूज़ था, एक्सेल साइज़ था, मुझे चाहिए था लार्ज। सो बेसिकली आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप अगर पहली बार जैकेट लेने जा रहे हो ना, तो शॉपकीपर क्या करते हैं कि आप आपको अगर साइज़ मीडियम जा रही है सपोज़, तो और उनके पास वो लॉट अवेलेबल नहीं है, मीडियम वाला जैकेट अवेलेबल नहीं है, तो आपको बेचने की ट्राई करेंगे लार्ज ले लो। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि आपके एल्बो गार्ड आपके प्रॉपर यहाँ पे फिट हो, यहाँ से स्टार्ट होंगे एल्बो गार्ड, यहाँ पे ख़त्म होंगे नी, और शोल्डर गार्ड भी यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे ख़त्म होंगे, तो वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। आप जब भी स्ट्रैप टाइट करोगे ना, तो वो हिलने नहीं चाहिए जगह से, थोड़ी बहुत मूवमेंट रहनी चाहिए। और अगर आपके एल्बो गार्ड में इतना गैप रहता है यहाँ पे, या फिर वो हिल रहा है या फिर नीचे लटक रहा है, तो समझना कि जैकेट बहुत ज़्यादा यू नो साइज़ में बड़ा है, या फिर आपको एक साइज़ कम लेनी चाहिए। और अगर आपके हाथ ऐसे ऊपर, यहाँ तक अगर आपके हाथ प्रॉपर्ली ऊपर नहीं जा रहे, तो समझ लेना यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे टाइट होंगे, तो समझ लेना कि आपको जैकेट बहुत ज़्यादा टाइट है, आपको एक साइज़ बड़ा चाहिए। तो वो बेसिक कंसेप्ट है जैकेट लेने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड जब भी आप गियर खरीदने जाओगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी रश ना करें, या फिर बहुत ही हायर या फिर बहुत ही ज़्यादा यू नो कॉस्टली ऑप्शन के लिए मत जाओ। जितना पॉसिबल हो सके उतना बेसिक देखो पहले, मतलब आपकी जितनी नीड है उतने हिसाब से आपका गियर्स चूज़ करना है। या फिर ऐसे नहीं कि कोई बता रहा है कि मुझे 1,00,000 का गियर लिया, 2,00,000 का गियर लिया, तो मैं भी 2,00,000 का गियर लूँगा, बट नहीं, उसकी ज़रूरत रहेगी शायद, बट आपकी ज़रूरत नहीं है आपकी। या फिर 5,000 में 7,000 के राइडिंग गियर्स में भी हो सकती है, मतलब जितने भी कंपनीज गियर्स बनाती है ना, तो उसका जो भी वेरिएशंस है वो कुछ सोच समझ के बनाती है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपके राइडिंग पर्पज़ के हिसाब से, या फिर आपके राइडिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये सब जैकेट्स और जो भी राइडिंग गियर्स है चूज़ करना आप। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि मैंने 1,00,000 का जैकेट लिया, तो गाइज ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा यही सबसे बेस्ट, तो आप यही लेना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए, और फिर बोलते हैं कि यार अभी तो मैं राइड नहीं करने वाला, तो फिर इसका क्या करें, तो वो आपका लॉस है। वो उतना पैसा इन्वेस्ट करोगे यहीं पर, और वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा उससे आप कुछ अच्छा चीज़ खरीद सकते हो। या फिर राइडिंग गियर ही खरीदना है, तो एक अमाउंट आप साइड में निकालो, वो इन्वेस्ट करो, एंड उसके प्रॉफिट से आप राइडिंग गियर ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ येस Please hit the like button, subscribe down below, and then I'll see you in the next vlog. Bye bye.